आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी व पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसका शुभारंभ एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महिला आर्ची व पुरुष आर्ची सम्मिलित होकर गगनभेदी नारों के साथ स्वतंत्रता दिलाने वाले उन वीर सपूतों को याद करते हुए शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए हर घर तिरंगा लगाने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया, जिसके संबंध में एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी पुलिसकर्मी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा में सभी महिला आर्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पुरुष और महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हुए कहा कि इनका महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुलिस मेडिकल सहित हर क्षेत्र में महिलाओं का पूर्ण रूप से समानांतर योगदान है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, सीओ चौरी चौरा प्रशाली गंगवार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, इनके द्वारा एक तिरंगा यात्रा इस तरह से निकाली जा रही है, जिसमें डायरेक्टर एम्स डॉक्टर सुरेखा मैडम सम्मिलित होकर हमें गौरवान्वित करेंगे। मैं मैडम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमें अनुग्रहित किया है। थैंक यू मैम। और अब मैं मैम से अनुरोध करूँगी कि वो तिरंगा मार्च को डॉक्टर सुरेखा किशोर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस साल 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसी के तहत हमारे यहाँ पे जितने भी पुलिस कर्मी हैं वो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और इंदु प्रभा जी हैं जो यहाँ की ये सारा कुछ संभाल रही हैं ग्रोवर जी के गाइडेंस में, और हम सारे पुलिस कर्मियों का बड़ा सहयोग है इसमें। और हमको सबसे जानकर अति प्रसन्नता हुई यहाँ पर
कि हमारे सारे जो टीम है उसमें मेजॉरिटी विमेन एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं, जैसे सारी महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए है ही नहीं। जहाँ पे पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को बिल्कुल समान रूप का अधिकार है, और एक तरह से हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में देखें, यूपी में देखें, यूपी खासकर, कि हर जगह से, हर थाने से सारी महिलाएं आई हैं और सारे पुलिसकर्मी। मुझे बहुत अच्छा लगा सारी महिलाओं की ये रैली निकली है, और इसमें जितने भी हमारे मेल पुरुषकर्मी हैं उन सबका भी बड़ा सहयोग रहा, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, इंदु प्रभा जी को, जिन्होंने इसका एक लीडरशिप ली और अपने अंडर में इस मुहिम को चलाया। हमें बहुत बहुत इनका स्वागत करना चाहिए और इनका धन्यवाद करना चाहिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी देश की महिलाएं इतना आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और एक सच्चे रूप में हमारा देश आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहाँ पर हम अपने दिमाग से, अपने मेंटल स्टेटस से, वो कुंठित जो हमारी धारणाएं हैं, तो उससे हट करके हम औरतों का सहयोग करके सब महिलाओं के साथ मिलके, पुरुष और महिलाएं मिल करके काम कर रही हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इनको बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं ये, और मैं कहूँगी आप सब लोगों से प्लीज़ इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ बजाएँ, और आप सब लोगों के लिए भी, क्योंकि आपने भी इसके लिए बहुत सहयोग दिया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने जो एक महिलाओं का उत्थान जो है उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, और हर जगह पे देखेंगे, चाहे वो हमारे पुलिस की लाइन हो, चाहे वो हमारा मेडिकल की लाइन हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का पूर्ण रूप से समांतर एक योगदान है, पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इससे बड़ी हमारे देश के लिए प्रगति और आज़ादी का एक महोत्सव नहीं हो सकता, जहाँ पे हम सब मिल करके इसको मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, और हमें बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही मन आनंदित हुआ है, बहुत ज़्यादा।